वाहे धन गुरुदेव जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की पवित्र पावन हजूरी विच जगत गुरु धन बाबा नानक सतगुरु नानक पातशाह उन्हां दे प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित इत्थे आप लोकल गुरुद्वारा इस सेलम सिटी दे विच धन गुरु अमरदास महाराज जी दे नाम दे नाल सुशोभित स्थान ते गुरपुरब मना रहे हो। बट भागता है दीवाना की अजे हमने जिवें प्रवाह चल रहा सी कीर्तन की समाप्ति हुई हुण समा बनिया असी गुरु बाबा जी के कुछ जीवन यापन उन्हां दी जीवन रिश्मा उन्हां दे जीवन प्रसंग नाल दी नाल उस प्रसंग विचों जो साढ़े लिए सीखने वास्ते है सिक्ख्या तो डेफिनेटली इस सारे का जिहड़ा सेंट्रल पार्ट आ गुरबाणी उहदे ते बात पावांगे। जितने कि जी हाजिर हो मन बिरतियां थोड़ियां एकागर करिए। मैं एग्जैक्टली टाइम का तो नहीं पता बट मैं अस्यूम करता भी एक घंटा मैं लैके चला घट तो घट उस रूप के। सो आप समूह संगत एक बार गुरमुखी चौंकड़े बैठे हो एक आवाज़ होकर फतेह बुलाउणी कह देना जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक महाराज जिन्हां की वडियाई जिस रूप असी करिए जिस रूप असी बयान करिए बहुत साढ़े को थोड़ी होएगी। जिवें मैं कई बार बात करता हाँ कि मल्ला यार खां जोगी का जिहड़ा वाक आ कि एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे साही को मझधार को या लहर को देखे। एक बड़ा वड्डा समुंदर होए तो उस समुंदर के कंडे उहदे पानी दे नाल कुछ झग पैदा हो जाए उस झग विच एक छोटा जिहा बुलबुला होए उस बुलबुले की एक छोटी जी अख होए तो छोटी जी बुलबुले की अख उहनूं कोई आके बयान करे तू समुंदर बारे दस सानूं तो हकीम जी लिखते भी की दसेगी हो एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे साहिल को जिहड़े टेढ़े वड्डे साहिल ने किनारे ने समुंदर दे मझधार को उहदियां गहराइयां पता नहीं कई पताल तक गहरा या लहर को देखे या उहदियां उठदियां लहरां उस रूप च देखे। मुराद ए गुरु नानक महाराज युग पुरश ने जिन्हां ने युग पलटिया जिन्हां ने सृष्टि के समुचे निजाम दे विच जिहड़ी निरंकार की करतार की आभा आ उसनों मनुख वास्ते ज्वलित किया मंडित किया वह गुरु नानक साहब ने। मैं अक्सर बात करता हाँ जो ती हिस्ट्री पढ़ते हो वो पढ़ने वास्ते तुहाडे कोल बड़े सोर्स ने ते अपनियां नूं पढ़ो बिल्कुल पढ़ो सत बगानियां नूं भी पढ़ो जिन्हां ने दूरों खड़े होकर कितने साढ़े घर में देखिया आ। सपोज करो ना तुसी अपने घर च रोज़ जाते हो रोज़ आते हो अपने ड्राइववे च एंटर करते हो अपने जिहड़ा डोर यूज करते हो तुसी इन्ने यूज टू हो जाते हो तुहानूं लगता ठीक है ऑर्डिनरी घर है आम घर वर्गा घर आ पर किसी दिन तुसी गुआंढी दे ड्राइव च खड़े हो के अपना घर देखते हो किस दिन तुसी स्ट्रीट दे दूजे पासे खड़े हो के अपने घर का देखते हो कहिंदे स्टक्को बड़ी वधिया लगदी साडी साडा जिहड़ा आ साडा स्टोन वर्क बड़ा वधिया होया आ साडे घर का दिख बड़ी सोहणी है। इन बिन अपने घर नूं कदी बगानियां दी नज़र नाल देखो। जदों असी यूरोपियन राइटर्स नूं पढ़दे हाँ जिन्हां ने दुनिया नूं यूरोसेंट्रिक अप्रोच दित्ती जिन्नी पढ़ाई करदे हो तुसी सारी यूरोपियन स्टाइल दे विच आ ईवन लैंगुआ फ्रेंका भाषा भी उन्हां दी अंग्रेजी बिना शक असी अज पंजाब दे विच या होर खित्तियां दे विच कोई स्पैनिश विच पढ़ाई हो रही है कोई गुरमुखी अखरां दे विच पंजाबी जबान च कोई शाहमुखी दे विच कोई उर्दू दे विच कोई हिंदी दे विच पर मोस्टली अमूमन जिहड़ियां किताबां ने आइदर वह अंग्रेजी तो सीधियां ट्रांसलेट हो रही ने या उन्हां दे ही तरीकेकारता विच अपनी राइटिंग हो रही है। दैट इज़ द मेन थिंग इस रूप यूरोसेंट्रिक अप्रोच है सारे की सारी वो कहिंदे असी लोगों को सोचना सिखाया लोगों को असी बोलना सिखाया लोगों को असी पढ़ना अकेडेमिक असी दी सारा सारा उन्हां दी ही जे असी नज़रे आपता च अपने घर में देखते हो तो वह जदों
साउथ एशिया की हिस्टरी बयान करते हैं तो वह कहते हैं साउथ एशियन हिस्टरी के एक नाम आ नानक। ये एक युग आ एक एरा आ इन इस तरीके बयान किया जाता नानक दे आउण तो पहला। वैसे युग पुरश का होंगे पता भी इतों ही लगता है कोई धरती से आया वो आने तो पहला दुनिया किवें दी सी वो धरती से रहा और दुनिया को की दिता वो चला गया धरती तो वो जाने तो बाद जो दे के गया उन्हें दुनिया की तब्दीली लिया इनू युग पुरश कहा जाता है। गुरु नानक साहब बाबत तो बयान करते कि जे असीं साउथ एशियन पूरे खिते देखिए तो वो तीन पीरियड बनते हैं पोस्ट नानक प्री नानक नानक पीरियड दैन पोस्ट नानक पीरियड। प्री नानक पीरियड उसनू तुसी देखोगे तो तुहानू एहसास होएगा कि उस खिते की हालत की बनती सारे की सारी। मैं इसे हफ्ते ही डिक्सी रोड गुरुद्वारा साहब बहुत बड़ी लंबी चोट बात हुई उसके जो आप शायद ऑनलाइन सुनी भी उस रूप के अंदर हिस्टरी पढ़िए तो वह बयान करते हैं कि जिहड़ा ये भारतीय खिता आ जिहड़ी साउथ एशियन सारे की सारी ये सोयल आ बड़ी फर्टाइल सोयल सी इत्थे लोग लुट्टण वास्ते नू आउंदे ते ट्राई टू कॉन्कॉर्ड ईवन दे ट्राई टू एक्चुअली यू कैन से इत्थे मतलब एक तरीके दे नाल सारे कासे नू हड़प हड़प्पण वास्ते हमलावर आउंदे सारे उस रूप दे विच ते जदों लगातार इत्थे लुटमार हुंदी कुट हुंदी ते अल्टीमेटली लोग यूज टू हो गए लोगों क्या ये तो होना ही है ये तो इट्स नॉट ए बिग डील। इस तरीके नाल फिर वो बिल्कुल उहदे आदी हो गए उन्होंने फारसी सोर्सिस दे विच इस सरजमीन दे रहण वाले लोगों बाबत ना दिता सरजमीने बुजदिलां। ये बुजदिलां की धरती है ये डरपोकां की धरती है ये लोग डरू लोग ने ये पहचान बन गई आम ये बन गई लोगों की आइडेंटिटी इस खिते रहण वालों की कि लोग जिहड़े ने बिल्कुल डरपोक लोग ने। जदों आपां उस तो बाद देखते हाँ तो आपां वर्ल्ड वार देखिए सैकेंड वर्ल्ड वार सैकेंड वर्ल्ड वार दे विच हिटलर ऑलमोस्ट यूरोप नू सारे नू कॉन्कर्ड करके बैठा आ पूरे जोर ते आ दे बेलजियम दे जिहड़ा इंग्लैंड दे बार्ड जिहड़ा विच दोनों दे समुंदर दा चैनल आ बेलजियम वाली साइड ते इंडियन सोल्जर आए ने उत्थे इंडियन सोल्जर मीन मोस्टली पंजाबी ने पग्गां बन्नदे सारे सारियां तुसीं पुराने तो पुरानियां पिक्चर देखो 80% बंदे जिहड़े नू दस्तारधारी सारे उस रूप दे विच ने ते हिटलर उन्हां तों रिपोर्ट मंगदे वी बंदे किवें दे ने तो रिपोर्ट च अज भी सानू कुछ राइटिंग्स मिलदियां ने वो कहिंदे वी बंदियां बारे ते इन्ना क पता आ कि एक ते उन्हां दे चेहरे मोहरियां ते सानू बिल्कुल डर नहीं दिसदा खौफ। बंदा जंग नू जांदा बंदे नू वैसे अद्धा डर हुंदा वी पता नहीं घर परतना कि नहीं परतना पता नहीं लाश भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी कहिंदे उन्हां दे अहसास इस रूप दे विच ने। दूसरा उन्हां दा रहन सहन उहदे च अजीब तरह का चा आ वो संगीत बजा रहे ने गुरुद्वारा लाउंदे ने कीर्तन करदे वो सारी चीज़ नू बयान कीता ते कहिंदे लड़न बाबत उन्हां दे बाबत ये गल कायम आ कि जिथे कितें लख बंदा भी खड़ा होए ते जो कल्ला भी आके खड़ जाए तो लख तो भी पिछे नहीं हटता जिहड़ा 1.25 लाख का कॉन्सैप्ट आ। ये दोनों चीज़ां उत्थे बयान कीता गया हिस्टरी तुसीं देखो बेलजियम चले जाओ फ्रांस चले जाओ इटली चले जाओ जगह जगह के उत्ते साडे सोल्जियर के उत्ते जिहड़े ने उस तरीके के मोमेंट्स लगे ने उन्हां बारे मेमोरियल्स बने ने उन्होंने नाँ लिखे ने थां थां ते ये अज की तारीख दे विच असीं पढ़ रहे हैं। जे असीं गुरु नानक साहब के पीरियड तो पिछे चले जाइए फिर तो हालत यह है कि राइटिंग साढ़े को लिखिया पईआं ने कुतबुद्दीन ऐबक जिहदे नाम ते कुतुब मीनार बनिया ये कितें एक दिन शामियाना ला के बैठा आ ते अपने जिहड़ा दा धार्मिक आगू है उसनों जिसनों मौलवी कहा जाता है उसनों बुला के पुछदा आ कि सपोज जे ये जिहड़े हिंदुस्तान के रहने वाले लोग ने इन्हां दे नाल किवें दा वर्ताव करना चाहिए हाउ शुड वी डील विद दैम। वो कहिंदा भी इस तरीके नाल तुहानूं इहनां नाल वर्ताव करना चाहिए भी जे तुसीं इहनां कोलों चांदी मंगो ना इन्हों हस के सोना देना चाहिए दे शुड नोट हैव एनी सोर्ट ऑफ किसी तरीके इन्ह च ना पक्षी वर्तारा ना हो तो ना कर हिम्मत ना हो इन्हों उ बात कही जाती है कि शामियाने च बैठा उ दूरों कोई एक सनातनी धारा मनण वाला मतलब कोई बंदा लंघ गया तो उसनों कोई उसने गेरुआ पाया आ अपने सिपाही भेजता बुला के लिया तो तंबोल चब रहा पान चब रहा
ਅਤੇ ਪਾਣ ਚੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਾਚੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਐਕਚੁਲੀ ਇੱਕ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਟ ਸੀਗਾ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਰੀਲੀ ਮਾਰ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕੁਵਤ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕੁਵਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੁੱਕਣਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਥੁੱਕ ਲੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਲੇਵਰੀ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਮਹਾਓ ਅਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੈਪਨਸ ਬਾਰੇ, ਵੈਪਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਜੰਗਜੂ ਲੜਾਕੇ ਨੇ, ਸੋਰੀ ਫਾਰ ਦੈਟ, ਲੜਾਕੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਚਾ ਰੱਖੇ, ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਰਹੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਕਈ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਆ, ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਯੰਗ ਅਫੈਂਡਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਇਨਵੋਲਵ ਇਨ ਦਿਸ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਵੀ ਆਰ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਫਾਈਟਰਸ, ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਕਚੁਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਇਨ ਦੈਟ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਰੀ ਫਾਰ ਦੈਟ, ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਯੂਰ ਵਰਡਸ ਬੈਕ, ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਨੋਟ ਫਾਈਟਰਸ, ਸਿੱਖ ਲੜਾਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੜਾਕਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਹੇ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੂੰ ਹੁਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੜਾਂਗਾ ਨਾ। ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਵਾਰੀਅਰਸ, ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੋਧੇ, ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੜਨਾ, ਯੋਧੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਬਰ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਸਵੇਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਵੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ ਹਮਾ ਹਿਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਬਾਬ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਧੌਂਸੇ ਖੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰਣਸਿੰਘੇ ਵਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਗਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਨਗਮੇ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਗਮੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਤੁਝ ਵਰਗਾ ਰਾਕਸ਼, ਤੁਝ ਵਰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਤ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਦਾ, ਝਗੜਨ ਦਾ ਨਾ, ਸਬਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇਣ, ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਫ ਆਵਰ ਐਨਚੈਸਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ, ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ, ਡਿਸਾਈਪਲ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ
जपजी साहब ही लवो, सारे नु सर लिया। अखीरला पाठ लै आइए जपजी साहब का, बाबा जी बयान कर दे, जत पहारा तीरथ सुनियार अहरन मत वेद हथियार। ये सारे गुण ने, शुभ गुण ने, इंसानी गुण ने, इंसानी जिन्हों असी कदर कीमत कहने वर्चूज कहने। गुरु बाबा जी ने इन्हों के बीज निहार बीजे साडे अंदर, मनुखता के अंदर एक्सरसाइज की, प्रैक्टिस की, उस एक्सरसाइज प्रैक्टिस के नाल सानू जोड़िया, सानू उस नू लैवल ते लियांदा, तां जाके धरती दे उत्ते उस युग पुरश ने मनुखां दी होणी बदली। नहीं तो जिहड़ी स्लेवरी है ये सिर्फ फिजिकल साइड ते नहीं हुंदी, ये मैंटल साइड ते ज़्यादा हुंदी है। मैं छोटी जी एग्जाम्पल करके बाबा जी दी कुछ साखियां दी बात करता है। साडे ना साइकोलॉजी से एग्जाम्पल की जाती है, हुंदा ये है कि एक अरबी सौदागर है तो वो अपने काफले नू लैके जा रहा है कि सौदागरी करते ना काफले लैके, काइंड ऑफ पुराने समय लॉजिस्टिक वास्ते उन्होंने जो डेजर्ट एरिया है उत्थे कैमल्स वर दैट इज बेस्ट फिट फॉर दैम। एंड वो जा रहे हैं, रस्ते चो काफ़ी देर हो जाती, रात पै जाती है, वो अपने बंदियां नू कहिंदा भी ओके वी गोना स्टे ओवर हेयर, असीं इत्थे जिहड़ा हैगा काफला स्टे करांगे। स्टे करके सारे तंबू ला ले, सारे अपना पहन लग गए। नौकर वो सौदागर का आया, कहिंदा भी सॉरी, मतलब कह लो कि बॉस की मेरे तो मिसटेक हो गई। कहिंदे की होया, ऊंटां नू बन्नण वास्ते रस्से ते किले हुंदे सी उहनां दे कोल, दे हैव स्पैशल काइंड ऑफ स्टिक्स एंड स्पैशल काइंड ऑफ रोप स्पेशली टू जिहड़ा हैगा उहनां नू उस तरीके दे नाल होल्ड करन वास्ते ऊंटां नू। ते उह कहिंदे भी मैं ना एक ऊंट वास्ते किला ते रस्सा लिआउणा भुल गया, सो इस करके बाकी सारे ते बन्न दित्ते, हुण एक ऊंट नहीं बचा तो उहदा हुण की कीता जाए। वो सौदागर कहिंदा ओहो अच्छा तू गलती करती, चलो कोई ना आप करते हैं इंतजाम। वो गया उत्थे, दूजे सारे ऊंट आप अपनी जगह किलिया ते बज के तो बह गए ने, वह खड़ा आया, एक बंदा उन्होंने फटक फट के खड़ा कि चला ना जाए। वो जिमें किला लगाई दा जमीन दे विच, वो सौदागर जाता है वह किले की जगह के उत्ते किला लगाउण दी एक्टिंग करता है, बड़ी जोर ला के जिमें बड़ा जोर लग रहा उहदा किला लाण दे विच। उस तो बाद एक रस्सा, मतलब जिवें रस्सा बन्नी दा एवें प्रटेंड करता, उहदे गल दे च एवें रस्सा बन्नदा, फिर प्रटेंड करके वह किले नाल बन्नदा इस तरीके नाल, काफ़ी देर जोर लगा लगा के सारा कुछ करके, तो नौकर नूं जा कहिंदा चल तंबू च जाके सो जा, तो आप ही जाके सो जांदा। नौकर कहिंदा भी कमा लिया, ये मालक कमला आ मेरा, भी वो तो ऊंठ आ, उन्हूं पता नहीं भी रस्सा नहीं बजा, उन्हूं पता नहीं किला लाया नहीं इसने, ये गजब हो गया। कहिंदा सवेर तक ऊंट रहना ही नहीं इत्थे, ऊंट ते चला जाना है, ये दसो क्या कमला पन्निया। वह बेचारा काफ़ी देर तक रात को जागता रहिंदा, फिर उन्हूं नींद आ जाती, सो जाता, सवेरे उठता है सौदागर, चलो जी सारे काफला रेडी हो जाता जाने वास्ते। नौकर फिर आउंदा, कहिंदा भी सौदागर सॉरी मैं तैनूं फिर दसदा आ, एक प्रॉब्लम हो गई, अजे काफला जा नहीं सकता। कहिंदे क्यों, की हुण क्यों नहीं जा सकता? वह कहिंदा जिस ऊठ नूं तूं राती प्रटेंड करके बन्निया सीगा ना, बाकी सारे ऊठ ते उठ गए, सारे तैयार हो गए, वह ऊठ उठे ही नहीं, वह बैठा अजे भी, उस जिथे तू बिठाया कैसे उत्थे बैठा आ। वह सौदागर नूं याद आउंदा, कहिंदा ओहो तू ते मैनूं दसना सीगा, उहदा ते बहुत जोर लगेगा उहनूं उठाण दे ते। कहिंदा ओह क्यों? कहिंदा जिन्ने जोर नाल उहनूं बन्निया आ उस तों किते वध जोर नाल हुण प्रटेंड करना पैणा उहनूं खोलण वास्ते। साइकोलॉजिकल गुलामी बाहरों थोड़ा आउंदी है, कोई इत्थे बंदे दी सुरत दे अंदर आके टिक जांदी है। जिवें असी भारती स्कॉलर डॉक्टर अंबेडकर नूं पढ़दे हां, ये जो तो जर्मन आया ना, इन्हें उत्थे संस्कृत पढ़ी खूब सारी, तो इन्हें एक प्रोफेसर उत्थे मिलिया, तो प्रोफेसर कहिंदा कहिंदा भी यू नो द इंडियन ब्राह्मणिज्म दे आर एक्चुअली टेलिंग यू यू गाइज आर अनटचेबल, यू गाइज आर लोअर इन कास्ट, बट यू नो व्हाई यू गाइज बिलीव इन दैट, यू गाइज शुड से नो नो वी आर नॉट अनटचेबल, वी आर नॉट लोअर कास्ट। तुहानू इह कहना चाहिए असी अछूत क्यों भाई, असी कोई अछूत नहीं है, तुहानू इह दस देना चाहिए। अंबेडकर हसदा जोर ला के, वह कहिंदा की मतलब तेरा? कहिंदा तैनू कोई आइडिया नहीं हैगा, एक्चुअली जिहड़ी ये गल आ ना कि तुसी नीवें हो, छोटे हो, अछूत हो, छोटी जात है सारा कुछ। कहिंदा ये सिर्फ एवें मूँह नाल कहण दी गल नहीं,
इन्ने सैक्रेट वे नाल इन्ने रिलीजियस साइड तो इन्ने मतलब बिल्कुल प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे सानू पा के दिता गया आ कि असी जिन्ना मर्जी एक दूजे नू दस दईए कह दईए साढ़े अंदर चला गया आ। इट्स हार्ड टू कम आउट ऑफ दैट। हाँ, इन्नू तोड़िया जा सकता है। पता किवें? जदों गुरु नानक साहब तोड़दे ने, गुरु नानक साहब पता ही कहिंदे, बाबा जी कहिंदे, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच। पंजाबी सानू सारे नू समझ आउंदी चंगी तरह। पंजाब दे विच असी किसे बंदे दी बहुत ज़्यादा उहदी कोई माड़ी हरकत होए, कुछ उसनू नीवा विखाउणा होए, या उसनू असी बहुत बेइज्जती करनी होए, असी पता की कहिंदे आ उसनू, तू बड़ा नीच है। बंदा कहिंदा, तेरी हिम्मत किवें होई इन्नी गल कहण दी, मैनू प्रूव कर मैं नीच किवें आ। अच्छा, अगला बंदा कहिंदा, तू नीच नहीं, तू अत दा नीच है। सच जाणियो, वो कहेगा, या तू है नहीं या मैं है नहीं, डन। हाउ कैन यू से इट? इत्थे बाबा जी दे बचन देखो तुसी, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच। बाबे दी बात ते पकड़ो, बाबे ने देखो ते सही, बाबा कर की रहा आ, धरती दी पूरे दी पूरी जड़ी उसने हो जड़ी होंद नू बदलना आ, पर जिदी होंद बदलनी है उन्हां दे नाल जाके बैठदा आ। लोहे नू जिदन तारना हुंदा ना, लकड़ लकड़ लोहे दे नाल बिल्कुल सीप जांदी इस तरीके नाल। उह कहिंदा है तां तरेगा, अदरवाइज इह डुब जाएगा। जिस दिन बीज नू मिट्टी ने कुछ बनाउणा हुंदा आ, जदों बीज गलदा आ ना, बीज कल्ला नहीं गलदा, उहदे आले दुआले दा सारी जिहड़ी सोयल आ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਟਾਈਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ, ਸੂਹਜ, ਸਮਝ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਢਲੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ, ਅੱਜ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ, ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜ 'ਚ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਾਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਪਕੜੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ। 54 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਬਾਬ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੀਸ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਖੈਰ, ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਲੌਂਗ ਜਰਨੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਖਦਾ, ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਸਾਰੀ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
फिर बाबा जी ने कहा फिर हाँ की जन्म साखी दो तीन वर्ताव होते मैं टूक मात्र एक दो बयान कर देना उस जो बात हुई अखीर हाँ कर दीती जिमें जिमें जान का समा नेड़े आ रहा है तो गुरु बाबा जी देखते दे मरदाना जी थोड़े उपराम रेंदे उदास रेंदे तो बाबा जी ने एक दिन बुलाया तो बुला के क्या मरदानिया तू साढ़े इश्क च खीवा होया ना बाबा जी ने प्यार करता सीगा तू मेरे प्यार दे विच मैनू ना नहीं कर सकिया पर जिमें जिमें जान का दिन नेड़े आ रहा आ मैं देख रहा वा तेरे चेहरे ते उदासी आ रही है लगता तेनू पिंड दा घर दा ये सारे ग्रां दा आपां प्रदेश च रहिंदे आ प्रदेशियों नूं इहदे बारे बहुत पता आ जदों बंदा देश हुंदा उदों कुछ भी चंगा लगे ना लगे वक्री गल है पर जदों प्रदेश है उदों पिंड दे बरोटे भी याद आउंदे ने गलियां भी याद आउंदियां ने लोकी उहनां दी गल्लां करी जांदियां ने आप कदे देखोगे वो जिन्ना खूइया ट्यूबलों से कभी लोग जाना नहीं पसंद करते भी वो उत्थे बहुत मैं तो घर ही ठीक है कम करना पेगा उन्होंने खूइया याद करी जाते इतने आके क्योंकि यह मोह है मिट्टी नाल ते बनता बाबा जी कहिंदे मरदाने कि ऐसा तो नहीं मिट्टी का मोह तेनों खिंच रहा होए उस रूप दे विच किते ते दे विच तू होए इस सारे करके तू मैनू जिहड़ा हैगा हाँ तो कर दी हुण जान लग्या अंदर का मोह आ रहा आ भाई मरदाना जी हाथ जोड़ के कहिंदे कहिंदे गुरु नानक पातशाह इस तो वड्डा सबब की हो सकता आ मैनू तुहाडा साथ मिलेगा मैं तुहाडे नाल रहांगा मेरे लिए तो बड़ी वड्याई वाली गल आ पर बाबा हाँ मैं उदास हाँ ये गल सच है बाबा जी कहिंदे भी जे तैनूं इन्नी खुशी है मेरे नाल जाण दी उदास क्यों है हुण उस प्रैक्टिकल गल करदे भाई मरदाना जी कहिंदे बाबा जो आप नगर ग्रां पिंड वखरे वखरे जावे जगह पर लोग पुछणगे तुसी कौन हो तो बाबा जी तुसी अपनी इंट्रोडक्शन देवोगे तो बाबा जी ने पूछया बार बार जाके कौन हो तुसी किस रूप दे जो तो बाबा जी इंट्रोडक्शन देंदे बाणी च सारी पई टोटल उस रूप दे विच जो अरब देश गए ना तो अरबा ने बाबा जी ने जाके पूछया हालांकि कहा जाता है उन्हों का अपना स्कूल ऑफ थॉट इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट किसी जात अंश बंश नहीं मानता पर वह जो अपना सारा तुम वेखोगे उन्हें एंथ्रोपोलॉजी साइट तो पढ़ के वह सारे इन्होंने चीज़ों को मनते खानदाना भी मनते जात पात भी मनते सब बाबा जी को पुछते तुसी कौन हो बाबा जी कहते मैनू पुछ रहे हो कह लगे हाँ तुसी कौन हो बाबा जी कहते तो पूछने की लड़ ही नहीं होनी चाहिए तुहानू दिसदा नहीं गा मैं तुहाडे वर्गा मनुख हाँ मेरा नक आ अखां आ हथ पैर ने कहते नहीं नहीं असं ये नहीं पुछ रहे असी तो ये पुछ रहे तुहाडा नाम की है तुहाडी जात की है तुहाडा धर्म की है तुसी किस खित्ते तो बिलोंग करते हो बाबा जी कहिंदे आ आ आ ते बहुत वड्डी गड़बड़ हो गई आम बंदा ते पुछे पर तुसी ते धर्मी लोग हो तुहानू ते पता होना चाहिए इत्थे फिर बाबा जी ने कहा भाई मरदाना जी नूं मरदाना जी रबाब छोहो इन्हां नूं दसीए असी कौन आ हू वी आर बाबा जी ने उस शब्द शुरू किया हम आदमी हाँ एकदम ही मोहलत बहुत ना जा बंदे तेरी पाया सिर्फ इतनी है तू आ दम है दम ते खड़ा आश्वास है तू है अगले पल होएगा इहदा कोई पता नहीं अनसर्टनटी इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ जदों बंदा इनू एक्सैप्ट कर लैंदा है फिर जपजी साहब की बात कर देना हुक्म रजाई चलना रजा विच राजी रहन दा मतलब की है जिहड़ी अनसर्टनटी है इह लाइफ दे विच रहेगी हमेशा रही है साडा अपना नहीं पता असी सर्टन किवें कह सकते अपने आप नूं बाबा जी कहिंदे आ तेरी जात है पहचान है कुदरत ने नियम बनाया है हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत बहुत ना जाना कोई तसली नाल नहीं कह सकता इन्ना समा रहना इस रूप दे विच इहो जिहे एग्जाम्पल्स बाबा जी की बाणी च मिलते बाबा जी कोलों मिलते लोग पुछते हू यू आर तुसी कौन हो जातां पुछते लोग नाम पुछते अज भाई मरदाना जी गुरु बाबा जी दे कोल बैठे ते बाबा जी नूं कहिंदे बाबा मैं उदास हाँ तेरे नाल जाण दी खुशी है पर अंदर उदासी है उपरामता है बाबा जी कहते किस गल तो कह लगा बाबा जो नगर ग्रां पिंड जावांगे लोग पुछणगे तुसी कौन हो बाबा तेरी ते मेरी सांझ किवें बन सकती है जो लोगों नूं ये पता लगेगा पहले नंबर ते तुसी सनातनी धारा विच पैदा होए हो बाबा जी देखा जाए हिंद की मत दे घर उस रूप विच पैदा होए मैं मोमन धारा साडे ते धर्म ही वक्खरे बन जांदे ने बाबा की लोगों को कहेंगे साथ किवें बनेगा चलो बाबा मैनू पता आ ये मजहब की बनतर तेरे वास्ते कुछ नहीं
तेरे लिए मसीत दिवाले आ बहुते मायने नहीं रखते, तू तो देवां दे देव करतार निरंकार की गल करता है। पर बाबा दूसरी गल तेनों दसा, लोग समाज के जिन्ने मर्जी धर्म की दुनिया को साइड पर भी रख दईए, जिहड़ा सोशल स्ट्रक्चर आ स्टेटस आ वह नहीं छड्डदे। बाबा लोग पुछणगे तू कौन आ, तेरे बारे पता लगेगा तू तो स्वर्ण आ। बाबा मेरे बारे पुछणगे मैं अछूत हाँ डूम हाँ, मेरा तो परछावां पै चीज़ां भेट जांदियां ने। बाबा जी कहिंदे मरदाना जी इन्नी गल आ कहने का नहीं, जो तुसीं गल पुछी है तो मैं पूरी कर दिंदा वा। बाबा जी ने थर्ड मरदाना जी ने तीजी गल कही, कह लगे जी बाबा जे कोई पुछेगा तुसीं कौन हो, इस तो बाद आउंदा साडा फाइनैंशियल स्टेटस। बाबा तुसीं तो पटवारी के बच्चे हो, बाबा तुसीं तो मोदी की जॉब करते हो एड्डी वड्डी नवाब दौलत खान के कोल ट्रैजरी सैकटरी हो इत्थे। बाबा तुसीं तो रुतबे वाले हो जगीरां दे मालक हो। बाबा मैं तो गुरबत दा मारिया बंदा वा, मेरे वास्ते तो लोगों के घरे जाके खुशी गमी दे या उह जे समय दे विच उहनां दे कोलों कुछ खैरात हासिल करनी हुंदी है, स्टेटस ही कोई नहीं रलदा। बाबा की कहांगे लोगों नूं, की दसांगे, कहो जिहा साथ बनेगा साडा। बाबा जी मुस्कुरा पए, कहन लगे भाई मरदाना जी इन्नी गल ही है। कहन लगा मैनूं पता तुसीं इहदी वी इहनूं वी कहिणा कोई वड्डी गल नहीं है, पर चौथी गल नूं ते तुसीं वी जवाब नहीं दे सकते। वो कहिणी है बाबा तुसीं ज्ञान दा जग दग दग करदा होया जगदा होया सूरज हो, मैं एक अदना मनुख मिट्टी का माधो। बाबा साथ ही कोई नहीं, साथ हुंदा बराबर दा। बाबा कित्थे तू ज्ञान दा एडा वड्डा दरिया, कित्थे मैं अदना जिहा मनुख। बाबा की कहांगे लोगों नूं कहदा साथ आ। गुरु बाबा जी ने कहा मरदानिया साथ नभाउणा चाहुंदा है? कहन लगा महाराज नभाउणा ते चाहुंदा। बाबा जी ने कहिंदे तीन शर्तां रखियां सी उत्थे। पहली शर्त रखी सी मरदानिया तेरी ते मेरी शक्ल एक होनी चाहीदी है, इत्थों असल दे च सरूप दी गल शुरू हुंदी है, तू ते मैं इक्को जे दिसणे चाहीदे आ। आम करके मोमनी धारा विच लोक लभां कटदे ने। बाबा जी ने कहा तू ते मैं इक दिसणे चाहीदे आ, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन मरदानिया कदी किसी तरह का कोई नशा नहीं करना। आम अहसास हुंदा जिहड़े खास करके लोग गवंतरी या गवैये इस तरीके दे हुंदे अजे तक भी है, उन्हां दे विच सिर्फ अपनी गौण कला नूं रखण वास्ते नशियां दा बहुत प्रयोग रहा। ईवन दरबार साहब दे विच गैर सिख रबाबी बहुत रहे, कीर्तन करते रहे, बुढ़ के बाद दे विच जदों महंतां तों कंट्रोल चला गया, जिस वक्त सरप्रस्त दरबार साहब तों चले गए, उस तों बाद फिर कुछ परिवारां नूं उत्थों कीर्तन करन तों हटाया। क्यों? क्योंकि शिकायत मिली कि नशे की दुरवरतों होंगी है। वो लिखता पईयां ने, वी नैवर से एक्चुअली इन पब्लिक इन संगत, बट इन डीड वी हैव एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट, सो दैट्स वाई दे गॉट एक्चुअली नो हुण तुसीं इन्हां नूं, क्योंकि कुछ रह नहीं रहा था कॉन्सैप्ट होना चाहिए इत्थे। तीसरी बात आई, बाबा जी ने कहा कोई नशा किसी रूप दे विच उस तरीके नाल नहीं करना। तीसरी बात मरदानिया तू रबाबी है, तू कि भी तार वजाएगा जाके साज चुकेगा जाके कि भी जाके वजाण लग जाएगा, संगीत के रूप में गाउण लग जाएगा। जे तू मेरे नाल रहना है, जे तू नानक दा होसी तो फिर करतार दा होसी, फिर तू करतार दा होके रहना है। जदों गाउणा है करतार की स्तुति वास्ते गाउणा है। भाई मरदाना जी मरदे मुजाहद, इसने जबान की पकियाई विखाई। कह लगा बाबा मैं तिने बचना से पैरा देंगा। फिर बाबा जी कहने लगे मरदानिया तेरा ते मेरा साथ जदों तक ये धरती असमान ते चंद रहेगा, जदों बाबे दा जिक्र आएगा तेरा जिक्र नाल आएगा। भाई गुरदास जी की अमर रचना में बात कर रहा सीगा, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना। बाबा जी जिथे जाते लोग पुछते गुरु नानक महाराज नू, अच्छा जी ये फिर तुहाडा जिहड़ा नाल आ ये तुहाडा नौकर होना है? बाबा जी कहते नहीं नौकर नहीं गा मेरा है। कहने लगे अच्छा नौकर नहीं गा, फिर तुहाडा गुलाम होएगा? लोग गुलाम भी पक्के स्लेव नाल रखते। बाबा जी कहते नहीं गुलाम भी नहीं। फिर कहते चलो फिर तुहाडा कोई सेवक होएगा, चेला बालक, तुहाडा कोई डिसाइपल होएगा? बाबा जी कहते ना मेरा डिसाइपल भी नहीं। वो कहते देन हू इज ये कौन है असल दे विच? बाबा जी बयान करते मेरा भाई है। इतों लफजाया भाई मरदाना, एक नवा भाईचारा, एक नवी ब्रदरहुड की कॉन्सैप्ट जी लैके आए। ये गुरु नानक महाराज जी की बख्शिश सारे की सारी है।
इस खिते की पाया असी जिहड़ा भाई भरातरी भाव लफ्ज़ यह सारा कुछ इतों आमद लेंदा सारे का सारा यह असल गुरु बाबा जी की बख्शिश आ। इस खिते दे विच एक भाईचारे की शुरुआत होंदी है। तो पहला मैं बेनती की सी जुलम करन वाला तबका मोस्टली जिहड़ा पोलिटिकल तबका वह मोमन आ मुसलमान आ। कई बार हिस्टरी नूं असी बहुत अनजस्टिस करके भी पढ़ते हैं, जिवें अजकल बॉलीवुड ने सानूं हिस्टरी बड़ी पढ़ाउणी शुरू कर दी है। तुसीं सारे कॉन्सैप्ट नूं देखो, माफ़ी मंगांगा बस पब्लिक डोमेन ते भी बात जा रही है, जदों चार साहिबजादे मूवी आई ना उस तों बाद बड़े बच्चे प्रभावित होए इस गल तों, क्योंकि आम करके जो स्टोरी टैलिंग जिहड़ी हुंदी साडी उन्नी वधिया नहीं हुंदी, जदों उहनूं सारे नूं विजुअलाइज़ करके विखाया गया बच्चों नूं बड़ा प्रभाव पिया साडे उत्थे। मेरे को दर्जना बच्चे आए जिहड़े कहण लगे पेरेंट्स नूं पुश करके लैके आए, वी वॉन्ट टू लर्न सिक्खी, वी वॉन्ट टू लर्न हिस्टरी। वो मेरे को आए उस रूप दे विच, ते मैनूं पहला याद है मैं बच्चों की क्लास लगाई, पहली क्लास दे विच बच्चा इतना ज़्यादा इमोशनल, वो कहिंदा आई हेट मुस्लिम्स, आई रियली वॉन्ट टू एक्चुअली डू समथिंग फॉर दैट। उस रूप च वो मैं क्या होल्ड योर इमोशन, होल्ड बह जाए तो गल कर दे आप बाद कर दे, पहले तेरे नाल गल करिए उस रूप से। अच्छा ये गल यू नो वी आर ह्यूमन बीइंग, ये नॉर्मली होंगे कई बार। मैं तो मेरा बेटा असी ऑटवा वार म्यूजियम जिहड़ा है वो विजिट कर रहे थे, छोटी जी एग्जाम्पल देना बात फिर अगर पूरी कर दा। ऑटवा वार म्यूजियम असी विजिट कर रहे अराउंड होना उदो 8 साल का हो मैंने याद आ, तो जदों असी नाजीज़ के बारे उत्थे उन्हां दी जिहड़ी है वो म्यूजियम पढ़ते जा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं मेरे नाल एंड ही इज़ गैटिंग इमोशनल। उस सारे दे विच करद्या करद्या होर भी लोग ने काफ़ी उत्थे काफ़ी नफरी है काफ़ी सारी उत्थे, तो वो उच्ची सारी कहिंदा कहिंदा डैड आई हेट जर्मनस, आई थिंक दे शुड नॉट बी एक्चुअली वी शुड पनिश दैम। और होर भी लोग सुन रहे हैं, हुण मैनूं एहसास है भी वो बच्चा कह रहा है तो सारे सुन रहे ने, मैं राइट वे उहदे नाल उहदे बराबर बैठ के मैं क्या पुत यू नो वी ऑलवेज से वी शुड नॉट यूज हेट वर्ड, दिस इज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट वर्ड, समटाइम वी डोंट नो वट काइंड ऑफ एक्चुअली इम्पैक्ट इट कैन ब्रिंग इन अवर माइंड। ओके वी डोंट हेट एनीबडी पुत, वी हेट ह्यूमन बींग्स बैड बिहेवियर। यू नो नाजीज एंड जर्मन दे आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज, वी हैव टू अंडरस्टैंड। उत्थे बैठ के उच्ची उच्ची बात की, दो चार सज्जन होर सी वो इनवॉल्व हो गए, कन्वर्सेशन चल गई, होर दो बच्चे आ गए, साड़ी गल किन्नी लंबी हो गई। मतलब है चीज़ां नूं सही परस्पेक्टिव दे विच वेख्या जाए। जदों आपां ये बात कर रहे हैं देखो जिहड़ा जालम आ वो जदों अपने नशे च हुंदा आ उहनूं ये नहीं पता मैं किसी होर दा नहीं अपना ही नुकसान कर रहा वां, आ परिवार मेरा ही है, सारा मनुखता ये ह्यूमैनिटी मेरी है, मैं ह्यूमन हाँ। आप जानवरों की दुनिया च देखोगे मास ईटर जानवरों भी तुसी देखो जे, कुछ एक्सैप्शनल एग्जाम्पल छड़ के जिहड़े मास खाण वाले जानवर भी ने अपनी नस्ल का शिकार करके नहीं खाते, अपनी नस्ल के लोगों नहीं अपनी नस्ल के जानवरों नहीं मारते। बंदे की प्रवृत्ति देखो तुसी, असी कहने असी अशरूह मखलूकात हाँ, वी आर सुपीरियर क्रीचर ऑन दिस अर्थ, हाउ कम साडा लैवल लोअर हो जाता है। इस करके बाबा जी ने कहा अज की जे अज की दुनिया चाहिए ना गुरु नानक साहब की सिक्ख्या की बड़ी वड्डी लोड़ है, बड़ी वड्डी लोड़ है। बाबा जी सानू यूनीवर्सल आइडेंटिटी देंदे ने, बिफोर यू गैट एनी अदर आइडेंटिटी, साड़ी अज आइडेंटिटी की ने। मैंने सज्जन दस रहे थे कि जी फुटबॉल की गेम चल रही है ना तो करके साड़ी अज सुनने वाली संगत काफ़ी घट घट घटी है, पर गेम्स बारे तुम देखो गेम्स के लोगों की आइडेंटिटी की बन जाती, मैं इनू सपोर्ट करता मैं इनू सपोर्ट करता, गेम इज़ ए गेम, पर जो गेम जी जिन्हों मैं सपोर्ट करता मेरी बस मैं क्या मैं तो अपने एसोसीएशन ही वो बना ली हूँ राइट्स हो जाते कमा लिया। खेड न खेड की तरह क्यों नहीं देख रहे तुसी? पर उन्होंने अपने आप को वो आइडेंटिफाई कर लिया वो सांझ पा लई, तुसी गेम तो अगे निकल आओ। लोग होर चीज़ा मतलब मुल्कां दी अ सो कॉल्ड नैशनलिज्म की पागलपन आ, मतलब
गजा की हालत देखो अज इजराइल एंड फिलिस्तीन यूक्रेन एंड रशिया लुक एट देयर माई गुडनेस की हालत बनी पई है साढ़े खिते की हालत देख लो गुरबत न दो चार होंगे लोग डेढ़ बिलियन लोगों की पापूलेशन आ पूरी दुनिया की 22% पापूलेशन कल इंडिया च रही है इंडिया कल दे जे लंका पाकिस्तान नेपाल भूटान ये सारा लगा दोगे पापूलेशन जी हैगी अराउंड 30 to 40 के चली जाएगी जे तुसी रिसोर्स देखोगे उस सारे खिते दे विच लैस दैन 2% 22% वर्ल्ड पापूलेशन इज लिविंग इन इटली ओनली विद 2% रिसोर्स उन्हां कोल कुछ होर सोचण दा वक्त होना चाहिए एक्सैप्ट देयर ओन काइंड ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड ऑल दीज थिंग्स दुनिया के सब तो महंगे वैपन कौन खरीद रहे हैं वो खरीद रहे तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं तुसी उन्हां दा मीडिया कदी सुन के देखो मैं तो कई बार हुण तो मैं समा हो गया गया नहीं गा मैनू हासा आता कई बार उन्हें देख के लो जी हुण साडे कोल ना एफ जिहड़े ने 16 आ गए वो कहिंदे साडे कोल रफाल आ गए नाउ मीडिया ऐ बयान कर रहा है लोग गुरबत दे मारे हुए भुख नाल दो चार हो रहे आर सो कॉल्ड नैशनलिज्म किड्डा पागलपन आ मतलब नैशनैलिटी जिहड़ी है ईवन असीं नॉर्थ इत अमेरिका की गल करिए अमेरिका का मतलब लिबर्टी वैल्यू सिस्टम वो सारा कुछ जिस सारे एक साइड पर रख के इतों के नैशनलिज्म लैके आवेंगे वो कहो जहा हवशी नैशनलिज्म होएगा साढ़े सामने बन रहा सब कुछ इस तो अगे चले जाओ फिर अगर रिलीजियस आइडेंटिटीज लोगों ने जोड़ लिया जिन्हों के मैं आह धर्म मानता मैं आह धर्म वाले रहन देने या धर्मां वाले दे अपने च सैक्टिज़म सारा बाबा जी ने कहा यूनीवर्सल आइडेंटिटी लैके आओ हू वी आर मनुख के रूप में सोचो इंसान के रूप में सोचो इंसानी कदर कीमत इतने जाके बाबा जी वड्डे होंदे ने यह है नानक का असल कद यह है नानक की असल हस्ती यह है गुरु नानक महाराज जी की वो परसनैलिटी वो शख्सियत जिहड़ी सानू अज बाणी विच मिलती है इस रूप के असी इसनों अहसासन ते मानन वास्ते अगे वधीए ये साडा एक्चुअल लैवल ते गुरु बाबा जी ते अज दी दुनिया च दी बड़ी वड्डी लोड़ है इफ वी एक्चुअली लिविंग इन दिस वर्ल्ड जिहदे च ये सब कुछ ते मैं बच्चों कई बार कहना हुंना एटलीस्ट इन चीज़ों थोड़ा थोड़ा पढ़ो समझो जाणो जिवें आपां बात कर रहे सीगे साखी रूप दे विच मुस्लिम्स आर बैड नो एक्चुअली ह्यूमन नेचर आ जदों उन्हां एक पावर मिली नशा आया पागल होया वैशी बंदा अपने बंदियां ते अपने लोकां ते मनुख ते जुल्म करन लग गया बाबा जी कहिंदे ना ये मनुख का लोअर लैवल आ इहनू हायर लैवल ते लैके आउणा इहदा मतलब इहदे कोल पावर खोलो इहनू कुछ भी ना दिओ ते फिर ते ठीक आ जिहड़े एंशियंट टाइम तो रिलीजन आ रहे सीगे लैट्स रिनाउंस दिस वर्ल्ड एंड गो टू जंगल एंड डू सम काइंड ऑफ मॉक एक्टिविटीज दैट इज द रिलीजन एंड स्टिल पीपल आर थिंकिंग दिस इज द रिलीजियस प्रैक्टिस बाबा जी कहिंदे कमला आया एवें नहीं हुंदा हुंदा ये धर्म नहीं गा ये तो भांजवादी है ये तो भगौड़ा हो जाना है फिर बाबा जी जे पावर विच रहांगे जिस धरती ते रहांगे खावां पियां हंडावांगे फिर डेफिनेटली लालच वधेगा क्रोध वधेगा हंकार वधेगा तो ये फिर असी कंट्रोल करने की कोशिश करांगे फिर लड़ांगे फिर सब चीज़ां होणगियां इस सारे नूं फिर चलाउणा किवें है बाबा जी ने उहदी गल कीती एक बचन कह के सत्ता ते बलवान डूम जी का फिर वाइंड अप कर देना बाकी गल फिर आउंदे कल करदे आ महाराज दी बाणी च बयान करदे होरियो गंग बहाई है दुनियाई आखे के क्यों नानक ईश्वर जगनाथ उच हद्दी वैन विर क्यों होरियो गंग उल्टी गंगा वहा दिती बाबा जी ने गंगा उल्टी बहाई उल्टी किवें गंगा वहा दिती बाबा जी ने वह कम किया जिहड़ा शायद कोई सोच भी नहीं सकता जिहड़े सिद्ध जोगी बने बैठे उन्हां कोल बाबा जी गए कहिंदे तुसीं साडे कोल बह जाओ इत्थे भगती करो बाबा जी कहिंदे भगती नहीं की भगती तो संसार विच जा के रहण दी है बाबा जी संसार ते सारा ही कूड़ है बाबा जी कहिंदे उस कूड़ दे विच असी सच लैके आउणा आ किवें असीं सिद्धां दे बचन पढ़दे हाँ जैसे जल मैं कमल निराल कौल का फुल चिक्कड़ ते पाणी च खिड़दा पर कमाल यह है उहदे तो आजाद हो जाता
ये धरती ये संसार ये नहीं है कि एक दिन सब चीज़ा बदल जाएगियाँ इतने एवं ही रहेगा इतने रिश्तिया नात्या दे बिटरनेस होएगी इतने जैलस होएगी इतने एक दूजे नाल कंपीट करांगे असी वी गोना लिव इन द सेम वर्ल्ड पर उस सारे दे विच साडे लई आइडियल की होएगा आइडियल साडे लई होएगा कि जिस बंदे ने ज़्यादा जैलस करके किसी होर नूं नीवा विखाया आई एम गोना एक्चुअली फॉलो दैट इंडिविजुअल नो नो ये मेरा मॉडल नहीं गा मेरा मॉडल की होएगा फिर मेरा मॉडल होएगा जिद कुछ वर्चूज ने जिद कुछ गुण ने यह गुरमंदिया इनू क्या हो रहे हो गंग बंदा कहिंदा यह भी धर्म आ बाबा जी कहिंदे आही धर्म आ इस धर्म ने धरती ते हारमोनी बिल्ड करनी है इस धर्म इस धर्म इस स्कूल ऑफ थॉट ने साडी फैमिली लाइफ नू सही रूप में सैलवेशन मुक्ति का केंद्र बनाना है अदरवाइज जिस तरह की एक छोटी जी मिसाल जो देनी हो तो मैंने याद है मैं अराउंड 20 साल पहले की गल होएगी आई वॉज क्वाइट यंग दैट टाइम एंड आई केम आई थिंक फस्ट टाइम इन स्टेट्स मैं न्यूयॉर्क सीगा असी मैनहट्टन घूमन लई चले गए शाम के समय प्यारे मित्र ने मेरे को लैके गए मैं तो लैके गए तो समहाओ मैं देखिया हर कॉर्नर के उत्ते कितने कोई योगा पार्लर खुलिया आ कितने कोई मैडिटेशन सेंटर लिखा आया कितने कुछ इस तरीके मैं उन्होंने हसया मैं क्या कमाल है लोग कहते हैं वैसट जोड़ा आ सारे का सारा मतलब शराब कबाब लगा है तुहाडा शहर तो धार्मिक ही बहुत आ मैनहट्टन तो सारा ही जोड़ा है ये तो मैडिटेशन कर लग गया सारा कुछ वो हस पे कहते मैं इतने पुराना आया वा मैं इतने ना 60s to 70s का दौर भी देखे आया जो इतने एकदम पब ही पब खुल रहे चार छपेरे कहते फिर हौली हौली करके 90s दे विच कुछ दौर ठंडा पिया होर पासे नूं चीज़ां कन्वर्ट हुई जो मैं मिलेनियम गुजरता देख रहा इस तो बाद क्योंकि 2004-05 के नेड़े की गल है तो वह कहते उदों की मैं देखदा गल तो हुण एक नवा फिनोमिना शुरू हो गया मैडिटेशन मीन पता नहीं उन्हें दी समाधि लगती भी कि लगती जिन्हें लवाण तो तुरे पे ने सारे के सारे इतने समाधि का संकल्प भी समझी आ हुण समाधि का संकल्प जिहड़ा आ इह है विच दुनिया सेव कमाई है धरती की सेवा करनी है धरती के उत्ते हर तरह के फर्ज नू हर तरह की ड्यूटी निभाना आ भी है कहिंदा मैं सब कुछ छटपट के दूर चले जाणा बाबा जी कहिंदे ना इहदे विच रह तू इत्थे रह इत्थे रह के तू पता की है इस मनुख नू जिहदे अलच वाले है जिवें सपोज करो फैमिली है कई बार होएगा बंदा कहेगा परिवार मेरा बहुत लड़दा है आई एम गोना लीव दिस फैमिली नो 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 यू हैव टू स्टे विद दैम असीं रिलेशनशिप थैरेपी च काम करते हैं उहदे विच इंडिविजुअल्स कई बार कहणगे वैसट दी अप्रोच आ इफ यू कैन नॉट गो टूगैदर दैन टेक योर ओन पाथ यू नो इस अप्रोच नू तो अडोप्ट किया जाता आ तो हुंदा की है लोंग रन दे तुसीं देखो सफरिंग की हो रही है असी ने एक छोटा जिहा एक स्टडी कंडक्ट की इंटरफेथ मैरिजेस के उत्ते क्योंकि दुनिया बदल रही है साडे बच्चों दी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स बदल रही ने तुसीं देखोगे कई बार साडे असीं बड़े माण नाल कहिंदे आ साडे ते न्याणे जी रोटी नहीं खाते बिल्कुल पीज़ा ही खाते हैं जी इन्हां ते लज़ानियां जिन्ना मर्जी खवा दिओ इन्हां नूं तुसीं भावें रोज़ न्यूडल बनाए खवा दिओ रोज़ इन्हां नूं भावें पास्ता खवा दिओ बड़े चाह नाल कहिंदे साडे बच्चे तो नहीं सूट पाते ना ना साडे बच्चे कुर्ता पजामा जी ना बिल्कुल ये तो ड्रैसेस ही पाते सारा कुछ अच्छा ठीक है ये गल्लां तो ठीक ने जो इन्ना ज़्यादा उन्हां दीआं लाइकिंग्स इस पासे नूं मतलब जा रही ने स्क्वीज़ हो रही ने डेफिनेटली कल लाइफ पार्टनर भी एवं चूज़ हो जाते दिस इज ऑलसो जस्ट ए लाइकिंग गेम जो आ भी नहीं फिर अगला पड़ा भी नहीं फिर वो नैक्सट स्टैप आ जाता नैक्सट स्टैप के जोड़ा है वो एक चीज़ होर आती है कि जो बंदा सोचता कि ये सारे का मतलब ना यदा मतलब ये नहीं कि वह बहुत गलत हो जाए खराब हो जाएगा ना वो बल्कि सू समझ की लड़ है वो इंटरफेस अंदर इतों तक भी चीज़ आँगी कि असी देखिया साढ़े को एक जो इतने 9/11 होया उदो हीथरो एयरपोर्ट तक मुश्किल बन गई उत्थे अराउंड 30% तो वध पापूलेशन जी है वह पंजाबी काम करती उत्थे जो पंजाबी काम करती तो उन्हें चो वड्डा हिस्सा वो सिखी प्रैक्टिस करने वाले ने हुण तो मुश्किल ये बन गई कि वह जो प्रैक्टिस सिखी प्रैक्टिस करने वाले है तो वो अंदर
जदों इन्हें कहा कि 9/11 तो बाद तुसी जहाज़ च कुछ नहीं ले जा सकते, जहाज़ की सारी कटलरी बदलती, सब कुछ बदल दिता, तो यह किवें हो सकता जिहड़े एयरपोर्ट पर काम करते हैं वो अपने सिरिसा पा के चले जाण उत्थे, यह किवें हो सकता वो अपना कड़ा पा के चले जाण उत्थे। सो एक दो दिन तो होया पर उन्हें कहा असं ये ला बना लगे हाँ, नो वन कैन कम इन साइड विद एक्चुअली ककार, वो मुश्किल खड़ी हो गई। बहुत सारे लोगों की सन्योरिटी सी 15 साल की 20 साल की, कहिंदे एक दिन ट्रैवल करना है सिरी साहब ला के कर लाँगे, पर कम तो डेली जाना है, डेली थोड़ा जी सिरी साहब ला के जा सकते हैं। बहुते कहन लगे जॉब छड्ड देनी है, ये सारी गल शुरू हो गई इस रूप दे विच। साडे उत्थे मित्र ने बड़े वधिया सरदार अमरीक सिंह सिख चैपलन रहे लंबा समा यही तरह एयरपोर्ट से, उन्होंने केस फाइट किया, उन्हें कहा नहीं नहीं आप इस तरीके नहीं हो सकता। उन्होंने हीथरो एयरपोर्ट अथॉरिटी इनवॉल्व किया भी ये तुहाडे वर्कर ने, इन्हों एक्सैप्शनल जोड़ा है दो छुट्टी दो, तो चीज़ चली काफ़ी ज़्यादा। अल्टीमेटली वो लंबा समा चलता रहा सब कुछ, पर सारे दे विच ना हीथरो एयरपोर्ट का एक अपना न्यूज़पेपर निकलता सीगा, वो न्यूज़पेपर ने इन दी फेवर च रोज़ लिखने आर्टिकल कि सिखां दे ए जिहड़ा हैगा सिंबल ऑफ फेथ हैगे ने, बिलीव हैगे ने, इहदे बारे सिक्योरिटी ब्रीच किवें हो जाएगी सब कुछ। अमरीक सिंह कहे मैनू हैरानगी आवे कि यारो आ ते पेपर बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कहिंदे ने, ये साडी फेवर च लिखी जा रहे, ये गजब आ। इस तरह कह लो कि उस न्यूज़पेपर ने ऐसा काम किया कि सारिआं दा ओपीनियन बदल दिता। एक दिन वो जदों मेन सिक्योरिटी सारी मीटिंग हुई उन्होंने हाँ कर दिती कि ठीक है जिहड़े साडे इंपलॉई इत्थे सिख प्रैक्टिशनर्स ने उन्हां नूं असीं अलाउ करदे हाँ वो ककार पा के आ सकदे ने। बड़ी वड्डी जित सी वैसटर्न वर्ल्ड दे विच, 9/11 तो एकदम बाद दी गल है, बड़ी वड्डी उत्थे न्यूज़ भी बनी सारी। खैर ये सारी चीज़ हुई, अमरीक सिंह घरे आया, घरे आ के बड़ा खुश कहिंदा भी हाँ अज बड़ा वधिया, तां ही ते फोन वज्जिया घर दा जिहड़े होम लाइन आ, फोन चक्किया ते अगू बोलने वाला शख्स वो कहिंदा कहिंदा वी वन द बैटल अमरीक, इट्स रियली ग्रेट डे, कहिंदे थैंक यू वेरी मच बट सम हाउ आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड और गेट यू हु यू आर, कैन यू गिव मी योर इंट्रोडक्शन। वो कहिंदा सॉरी फॉर दैट यू नो, फिर उन्हें अपनी इंट्रोडक्शन देनी शुरू की थी, पता लगा ये जोड़ा न्यूज़पेपर निकलता उतों हीथरो एयरपोर्ट का लोकल वो चीफ एडिटर आ, वो कहिंदा भी मैं तेनों तो खुद मिल जाना सी, अमरीक कहिंदा भी सजना तू कम बहुत किया साडे लिए, इन्ना वड्डा कम कमाल कर दिती। वो कहिंदा अच्छा, कहिंदा मैं तेनों मिल के ना तेरे वास्ते एक स्पैशल गिफ्ट लिया सी इंडिया तो, वो मैं तेनों देना सीगा। वो कहिंदा लेट मी गैस व्हाट वुड बी द गिफ्ट, गिफ्ट वुड बी दरबार साहब मॉडल। वो कहिंदा वाकया जी दरबार साहब का मॉडल सीगा। कहिंदा मैं क्या भी कमाल आ, तू किवें पता लग कर गया इस रूप में। कहिंदा मैनूं पता जो सिख बड़ा खुश हुंदा ना वो फिर दरबार साहब दीआं गल्लां करदा, दरबार साहब दीआं पिक्चरां दिंदा, उहदे मॉडल दिंदा इस रूप में। कहिंदा तैनूं किदां पता है? कहिंदा हुण मैं तैनूं अपने बारे दसदा हां। कहिंदा असल तैनूं मैनूं दसण दी कुछ भी लोड़ नहीं, मेरी माँ सिख सी, मेरा फादर गोरा सीगा। ये जिहड़ियां चीज़ां एवें रद्द नहीं करन वालियां हुंदियां कि लीव दैम, नो, ये सानूं कोई पता नहीं लोंग रन च कित्थे जाके इहदा इंपैक्ट पैणा हैगा। कहिंदा आई नो अबाउट सिखी अलॉट बिकॉज माई मॉम टॉट मी, आई नो दैट। इस रूप के विच भी है जो सोसाइटी असी रह रहे हाँ इहदा इंपैक्ट इस तरीके भी पैंदा है लोंग रन के। टूक मात्री ने बेनती करन लगा, इंटरफेयर की समस्या यह बनती, वैसे सोसाइटी सपोर्ट करती, जदों कित इंटरफेयर च माड़ी जी कित कोई माड़ी जी वॉल जी जी हैगी क्रैक आता ना, सोसाइटी उन्हें सपोर्ट करन दी बजाय उन्हें तोड़ देंदी, उहदे नाल सफरिंग होंदी। असी सफरिंग देखी उत्थे सब तो वध बच्चों की, उस तो बाद विमेन की, लेडीज़ की। फिर ये वड्डे लैवल ते देखिया कि उहदे विच्चों बहुत आए तो नहीं गया, यू नो देखो तुसीं इंग्लैंड दे तुहाडे इत्थे भी इत्थे आएगा, साडे उत्थे भी हो रहा आ, बच्चे विआह नहीं कराउंदे, बच्चे कहिंदे नहीं नहीं छड्डो परां संसार बेकार आ, यू नो लीव इट। साडे इत्थे इक स्लोगन शुरू हो गया, अमेरिकन स्लोगन ही वैसे तो, कि एक्चुअली टू अर्निंग्स एंड नो किड्स। ये एक बड़ी मतलब बाबा जी के समय च ये डिफरेंट वे रहा, क्या संसार छड्डो सब चीज़ त्यागो दूर चले जाओ। बाबा जी कहते क्यों इस संसार में रहना हो रहे हो गंग बहाई है। अज गुरु नानक साहब की रिलेवेंस एक डिफरेंट लैवल पर आ गई है,
अज सोसाइटी इंटरफेथ च आ गई, अज मल्टीकल्चरलिज्म आ रहा है सब, पर उस सारे नु किवें असी लैके आउणा आ। एक छोटी जी जिहड़ी मिसाल कह के वो वाइंड अप करन लगा सीगा, मैं जो पहली बारी उत्थे प्रिजन सर्विस इनवॉल्व होया तो मैनू एक चैपलन अपने नाल लैके गया जेल में। साड़ी ड्राइव सी कोई 4 घंटे की, बड़ी लंबी ड्राइव सी। तो असी थोड़ी देर जो बैठे कार दे गल्लां शुरू हुई साड़ियां, कादियां गल्लां करांगे असी, असीं गल्लां कीतियां वैदर दियां, फैमिली बारे को 2-4 गल्लां हुई। बोथ वी आर बोथ इज रिलीजियस परसनैलिटीज, वी आर बोथ एक्चुअली यू आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस स्कूल्स एंड दे आर एक्चुअली बोथ आर डूइंग सरमन्स एवरी डे इन आवर गुरुद्वारा और इन आवर एक्चुअली रिलीजियस प्लेसिस एंड आवर सारा साडा एजुकेशन का फील्ड एक उस तरीके का है। सो डेफिनेटली असीं किन्ना अवॉइड करांगे, आखिरकार साडी धर्म की गल होएगी। जो धर्म की गल तुर पई तो मैनू उन्हें बड़ी ईमानदारी एक सवाल पूछया, कहिंदा भी एक्चुअली डोंट टेक मी रोंग बट कैन आई आस्क यू वेरी परसनल क्वेश्चन, मैं की है, कहिंदा भी जिहड़े गैर सिख ने उन्होंने बाबत उन्होंने बारे तेरी की राय है या तुहाडे समाज की राय है उन्हां बारे तुसीं की सोचते हो, तो हाउ डू यू टॉलरेट दोज पीपल हु आर एक्चुअली नॉन सिक्स। तो मैं उन्हों ईमानदारी तुम दस रहा गुरु महाराज के हजूर बैठा, मैं क्या यू नो द वर्ड टॉलरेट दिस इज टोटली नैगेटिव वर्ड बीइंग ए सिख, इफ आई एम जस्ट टॉलरेटिंग समवन, टॉलरेट का मतलब बर्दाश्त करना, चलो बर्दाश्त करो किसी, नो दैट्स नॉट द एप्रोप्रिएट वर्ड, यू नो वी शुड नॉट टॉलरेट ईच अदर, वी शुड लव ईच अदर, दैन वी कैन क्लेम वी आर सिख। जे असीं एक दूजे नूं प्यार नहीं करते, एक दूजे का सत्कार नहीं करते, एंड यू नो टॉप ऑफ दैट वी हैव टू प्रे फॉर ईच अदर। वो कहिंदा है हाउ कैन वी प्रे पीपल हु आर नॉट एक्चुअली associating themselves with our belief. Main kya, somehow I have no idea about you, but what I have actually learned from Sikhi school of thought, my prayer can be actually completed when I'm gonna say these specific words jede si roz itthe padde ha, nanak naam chadhdi kala tere paane, eh guru nanak sahib ya sarbat da concept, sab nu include karna, रिस्पैक्ट करनी, प्यार करना, स्नेह करना, मुहब्बत करनी, अपनत करनी, ये गुरु नानक साहब ने। इस रूप के मैं इस गुरपुरब से लगातार थोड़े को बड़े दीवान में आया, अदरवाइज जोड़ा है मेन प्रोग्राम वास्ते लगातार बड़े दीवान मैं बोलिया, इस गल पर इंसिस्ट कर रहा कि गुरु बाबा जी के इस विजन सानू समझ की लड़ आ, साढ़े परिवारों समझ की लड़ आ, तो सानू बार लोगों दसन की। गुरु नानक साहब वो विजनरी ने जिन्हें मनुख नू दस्या वो मनुख जी धरती दे उत्ते तेरी ते साड़ी सारियां दी होनी सांझी है। जिवें समय ने परमिट किया वो जिना टॉक टूवर्ड लिटल बिट एनवायरमेंट साइड टू, क्योंकि तुहाडे इत्ते भी तुसीं इत्थे जिहड़ी हैगी है खास करके वाइल्ड फायर दे सारा मंजर देख चुके हो, साढ़े कैनेडा असीं जिहड़ा तमाशा देखिया पिछले 2 सालां दे विच, लास्ट ईयर साडा 1.5 लाख तो वध सिटीजन एवैकुएट किया गया ड्यू टू वाइल्ड फायरस। तो इस सारे दे उत्ते जदों कहा जाता कि कितों असीं मैसेज लवेंगे, देखो ये तो गल्लां हुण हो रही ने, हुण लोकी कह रहे हैं बाबा जी का सलोक तुसीं रोज़ पढ़ते हो, पवन गुरु पाणी पिता माता, मतलब बंदे तू देखते सही गुरु पिता दस की रहा तेनू, सानू एहसास नहीं आ गुरु बाबे का कद किड्डा वड्डा आ, गुरु बाबा जी सोच सबू कहो जी बख्श रहे हैं। ऐसे गुरु तो सिंह शब्द पढ़ रहा सीगा, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, उस तो बलिहार जाना चाहिए है कि वो गुरु जिहड़ा जिन्हों ऐसा गुरु वडभागी पाया जिहड़ा वड्डे भागां नाल सानू प्राप्त होया, तो सानू मीन मानवता नू आप मुक्त मोहतार है, आप उस सैलवेशन का रूप बनिया तो सानू अज भी तार सकता, सानू अज भी उतारन के समर्थ आ। गुरपुरब की भावें पहला लंघ चुका है पर आपां क्योंकि मना हो रहे हैं, आप संगत में बहुत सारी मुबारकबाद, थैंक यू वेरी मच बीइंग एन अटेंटिव लिसनर, कहीं दिस दीवान दे जा बैठे हो सरवण किया बड़ा धन्यवाद। हम देखल जिवें समा भाई साहब अनाउंस करेंगे अकॉर्डिंगली बात असं पावे, मैं लगातार 3 रोज़ तुहाडे कोल हां,
मीनवाइल जे कि कुछ किसी किस्म के कोई डिस्कशन करनी है बच्चिया ने किसी तरीके आई एम हेयर लाइक वी कैन डू एज मच एज टाइम वी हैव हेयर इन बेनतियां खिमा भुला गलतियों ना चितारियो जी भाई साहब समापन करवाएंगे मैं इजाजत देनी सब प्रेम आवाज दे के कहना जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।